जंग जनता के हवाले और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ उप मुख्यमंत्री राजस्थान के इस वक्त सचिन पायलट जुड़ गए हैं। सचिन जी, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि हर बार जब हम किसी फेस के बाद बात करते हैं तो कहते हैं बहुत ही निर्णायक दिन है, लेकिन सोमवार सही मायने में वापस लगभग लॉकडाउन के पहले की तस्वीर लौट रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ। किस तरह की तैयारियां, किस तरह की सावधानियां इस वक्त बेहद जरूरी है जो हम अगले कदम में दफ्तर, मॉल्स, धार्मिक स्थल सब खोलने वाले हैं, और क्या ये सब कुछ राजस्थान में भी आप खोल रहे हैं, कैसे? मैं समझता हूं कि अब जिम्मेदारी और भागीदारी जनता की हो गई है, क्योंकि अब तक सरकारों के अलग अलग गाइडलाइंस आते थे, प्रोटोकॉल हम देते थे लॉकडाउन के तहत। अब जब ये लॉकडाउन खुल रहा है तो पूरा प्रिकॉशन और पूरा एहतियात बरतने की जिम्मेदारी अब लोगों की है, और जितना भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस इशू किए हैं, अगर उसको हम कठोरता से उसकी पालना नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ये बहुत मेच्योरली और बहुत सोच समझ कर लोगों को, नागरिकों को अपना 8 तरह के बाद का जीवन पटरी पर लेकर आना है, क्योंकि लॉकडाउन की जो उपयोगिता थी वो लगभग अब पूरी हम उसकी ले चुके हैं। अब पटरी पर लाने के लिए अर्थव्यवस्था को, जीवन को अगले कदम उठाने थे। अब जो हमने राजस्थान के अंदर भी जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पर परमिशंस नहीं दी हैं, लेकिन उसके बाहर जो मॉल्स हैं, दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनको खोलने की इजाज़त दी है, और धार्मिक जगहों पर भी हम 8 तरह के बाद चाहेंगे कि वहाँ जनता जो आए दूरी बनाकर रखे। अगर पब्लिक ने इसको सेंसिबली टेकअप किया तो हम कामयाब रहेंगे, लेकिन मेरे को आशंका इस बात की है कि जब पूरा लॉकडाउन था तब भी अनेकों जगह हमने सोशल डिस्टेंसिंग को ब्रेक किया, हम सब ने, अलग अलग देश से खबरें आती थी। तो खुलने का मतलब ये नहीं है कि हमको वैक्सीन मिल गई है या कोई दवाई मिल गई है, हम सिर्फ क्योंकि अब इतने हफ्तों के बाद कहीं ना कहीं दोबारा जीवन को वापस पटरी पर लाना है, इसलिए लॉकडाउन को खोल रहे हैं। लेकिन अगर पब्लिक प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, अगर हम लोग बिल्कुल दरकिनार कर देंगे सारी गाइडलाइंस को, तो संक्रमण बहुत अधिक गति से फैलेगा। इसलिए लोगों को समझदारी से, जिम्मेदारी से, गंभीरता से अपने कदम उठाने 8 तरह के बाद के जीवन को वापस रास्ते पर लाने के लिए। जिस आशंका का आपने जिक्र किया सचिन जी, वो आशंका देश भर में लोगों के मन में है, जो दफ्तरों को पहुंचने वाले हैं, खास तौर पर सरकारी दफ्तरों को, किस तरह के इंतजाम वहां पर रहेंगे, क्योंकि कई जगहों पर डर बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र में तो बीएमसी के कर्मचारी दफ्तर आने को तैयार नहीं है, सरकार को सर्कुलर जारी करना पड़ा कि पहुंचिए नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। परिस्थितियां ऐसी हैं, कैसे आश्वस्त करेंगे? आप किसी चीज को खोल दें, अब होटल आप खोल दीजिएगा, लेकिन अगर ग्राहक नहीं आएंगे या आएंगे और प्रिकॉशंस को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो दोबारा स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि संक्रमण को रोकने के लिए जो कर सकते थे हम अभी भी कर रहे हैं, और अभी भी केसेस कम नहीं हो रहे हैं, तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन सावधानी, फेस मास्क, सैनिटाइजर, दूरी बनाकर अगर हम रखेंगे तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए लोगों को विश्वास अपने अंदर रखना पड़ेगा, व्यवस्था में रखना पड़ेगा, और जो गाइडलाइंस दिए हैं उन गाइडलाइंस को, थोड़े जटिल हैं, हमारे जो हमारा बिहेवियर है उसको अडेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत एक सिचुएशन क्राइसिस वाली है, इसमें बहुत जल्दी हमें, चाहे वो होटल हो, रेस्टोरेंट्स हों, कमर्शियल मार्केट्स हों, दफ्तर हों, लोग अगर वहाँ जाएंगे तो जो जो प्रोटोकॉल हमने एस्टैब्लिश किए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने, हमने 4 जून को और प्रोटोकॉल लोगों को दिए हैं, उसको पूरी 100% डिसिप्लिन से हमें अगर हम पालना करेंगे तभी हम आगे कामयाब हो सकते हैं। सचिन जी, एनफोर्सिंग एजेंसी आपने किसको प्रोटोकॉल में अपने बनाया है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन, पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी ऐसी अलग अलग जगहों पर ये तमाम गाइडलाइंस को एनफोर्स करना। हमने देखा है कि किस तरह से धार्मिक अनुष्ठान कुछ जगहों पर हो गए और पुलिस नहीं रोक पाई, पर मतलब किसकी जवाबदेही होगी इस पर, ये एक बड़ा सवाल लोगों के मन में होगा। मेरी राय तो ये है कि हम जितना ज्यादा इसमें लाठी दिखाएंगे या प्रशासन, पुलिस को जिम्मेदारी देंगे, उतना ही और मुश्किल हो जाएगा। लोगों को स्वतः ही इसको पालना करनी चाहिए। हमारी एजेंसीज हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं, जिला कलेक्टर है, पुलिस भी है, होमगार्ड भी है, लेकिन लोगों को मारपीट के आप कुछ करवाएंगे तो वो संभव नहीं इतने बड़े देश के अंदर। लोगों को खुद जिम्मेदारी से और अपने अपने घर वालों को बचाव करने के लिए काम कर रहे हैं, इस सोच के साथ काम करना पड़ेगा। बाकी देश और प्रदेश में कमी नहीं है सरकारी ऑफिसर्स की, बाबुओं की, प्रशासन की, पुलिस की, लेकिन मैं समझता हूँ ये सेल्फ डिसिप्लिन लोगों को स्वतः ही करना पड़ेगा। इसको इन्फोर्स करने के लिए हम सब एहतियात के कदम उठाएंगे, लेकिन अगर पब्लिक खुद नहीं समझेगी, और गाँव के अंदर तो अंदर आप जानते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आबादी ज्यादा है, पुलिसकर्मी कम होते हैं, शहरों में फिर भी आप कंटेन कर सकते हैं, लेकिन गाँव में अगर लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे और दोबारा
वैसे ही घुलना मिलना शुरू हो गया और यातायात शुरू हो गया, तो मैं समझता हूँ संक्रमण गांव में भी फैल सकता है, जो इस देश के लिए हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। मंडे से राजस्थान में सचिन जी क्या क्या खुल रहा है? क्या मॉल्स, धार्मिक स्थल, सरकारी दफ्तर, ये सब कुछ आप भी खोल रहे हैं वहां राजस्थान में? जी, दफ्तर सारे खुल रहे हैं और जो मॉल के अंदर सिनेमा हॉल्स हैं वो खुल नहीं रहे हैं, लेकिन जो स्टैंड अलोन सिनेमाज हैं वो खुल रहे हैं। लेकिन हर दुकानदार को, हर एस्टेब्लिशमेंट को हमने प्रोटोकॉल लिख कर दिए हुए हैं कि कितने लोग आ सकते हैं, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है और ओवर क्राउडिंग से बचना है। जितना ज़्यादा हो सके लोग अलग अलग टाइम स्पेस कर कर एक आए, और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये इसका परिणाम क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, 8 तारीख को देश का आम नागरिक कैसे इस ओपनिंग अप को रिस्पॉन्ड करता है, ये सब उस पर निर्भर करता है। क्योंकि हम कितने भी गाइडलाइंस, कितने भी आदेश इशू कर लें, वार्निंग्स दे लें, अगर पब्लिक मन बना लिया कि हमें एहतियात बरतना है, इस कोरोना के साथ जीना है और उस पर विजय पाने के लिए हमें ये फला फला चीजें करनी है, अगर पब्लिक और नागरिक जिम्मेदारी से काम करेंगे तो हम सब कामयाब हो जाएंगे। और उसके अलावा हम कितने भी आदेश देते हैं, वार्निंग देते हैं, लोगों को लाठियां मार दें, जेलों में डाल दें, और लोग अगर नहीं मानेंगे तो फिर हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, जो हमने पिछले कई हफ्तों में मेहनत करी है सब लोगों ने मिलकर। एक आखिरी सवाल, स्टैंड अलोन सिनेमा हॉल्स आप कह रहे हैं जो कि मॉल के अंदर नहीं है वो खुलेंगे और मॉल्स भी खुलेंगे, दोनों ही जगह, एसओपी क्या है आपका? नहीं, स्टैंड सिनेमा अलोन हॉल के, सिनेमा हॉल के अंदर कितने लोग बैठ पाएंगे और दूरी कैसे आप रख पाएंगे? मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, सिनेमा हॉल्स के परमिशन नहीं है, जो जी स्टैंड अलोन शॉप्स हैं शॉप्स, वो सब खुलेंगी, और सबको हमने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दिया है कि कितने लोग एक दुकान के अंदर जा सकते हैं, और दुकान में खड़े होने के लिए उनको 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी। और जो दुकानदार है उसको भी हमने कहा है कि आप जो बिना मास्क के आएगा उसको आप सामान बेचेंगे तो वो उसको हम गलत कार्रवाई मानेंगे। तो नागरिकों को भी, दुकान मालिकों को भी, ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उनको भी, और जो फैक्ट्री के मालिक हैं उन सबको अलग अलग जिम्मेदारी बांटी गई है। और ये मैंने कहा ना, हमने गाइडलाइंस इशू करी है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स क्या आता है मंडे को, लोग कैसे इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे आप कह रही कई लोग तो अगर छूट है फिर भी नहीं जा रहे हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो आप होटल रेस्टोरेंट खोल रहे हैं लेकिन वहां कोई जाना नहीं चाहेगा क्योंकि अभी लोगों के अंदर भय लगा हुआ है। इसलिए अगर हम स्ट्रिक्टली सैनिटाइज करेंगे और लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि सब कुछ ठीक रहेगा अगर हम प्रोटोकॉल फॉलो करें, तो धीरे धीरे लोग वापस दोबारा इकोनॉमी के अंदर अपनी दिनचर्या को बदलकर वापस अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों के अंदर मैं फिर कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी सबसे बड़ी हम सब की खुद की है, नागरिकों की, कि हम कैसे इस बदले हुए वातावरण के अंदर अपने आप को कैसे तब्दील कर सकते हैं जी और कैसे डिसिप्लिन और नियम के आधार पर हम अगले कुछ दिन अपना निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिन पायलट जी, उप मुख्यमंत्री राजस्थान के, जुड़ रहे थे हमारे साथ। बड़ी चुनौती है सचिन जी, लेकिन इन सब के बीच जनता को भी अपना काम देखना है, इसी के साथ सावधानी भी देखनी है और सरकारों को भी ये सुनिश्चित करना है कि लोगों को बहुत बड़ा खतरा सामने ना दिखाई दे। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तक पर और हल्ला बोल में।